जब भी हम घर का प्लम्बिंग करते हैं तो प्लम्बिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है आपका वाटर टैंक। अब ये जो वाटर टैंक होता है इसे हम डायरेक्टली स्लैब के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि स्लैब का सरफेस कभी कभी इवन नहीं होता है, अंडुलेशंस होते हैं और कभी कभी छोटे पत्थर होते हैं जिनके ऊपर अगर हम टंकी रखते हैं तो लीकेज हो सकता है। तो इसके लिए लोग जो है प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो जनरली प्लेटफॉर्म के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, पहला तो होता है लोहे का प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है सीमेंट का प्लेटफॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं लोहे के प्लेटफॉर्म की तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जंग। जैसा कि आपको पता होगा पानी के संपर्क में आने की वजह से लोहे को बहुत जल्दी जो है वो जंग पकड़ लेता है, तो इस वजह से आपके पैसे भी वेस्ट चले जाते हैं। तो हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है सीमेंट का प्लेटफॉर्म। अब सीमेंट के प्लेटफॉर्म के क्या लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जब भी टंकी में पानी भर जाता है और टंकी के आसपास जो है पानी जमा हो जाता है, ऐसे वक्त में ईंट से बने हुए प्लेटफॉर्म जो है पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं और आगे चल के वहां पर काई और सीलन की समस्या जो है वो निर्माण हो जाती है। वहां पर आपने जैसा कि देखा होगा छोटे छोटे पौधे भी जो है वो उगने लगते हैं, तो इस वजह से आपके घर में सीलन की समस्या बहुत ज्यादा निर्माण हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की तो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है। इसका रीजन यह हो जाता है कि लेबर कॉस्ट, सीमेंट, रेती और ईट, ऐसी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लग जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, ना तो लोहे का बनवाए ना सीमेंट का बनवाए तो करे तो क्या करे। तो हाजिर है आपके सामने इंडिया का सबसे पहला इकोबेस पैलेट। ये जो इकोबेस पैलेट है ये आपके वाटर टैंक के स्टैंड का समाधान है। वो किस तरह से ये हम समझेंगे। सबसे पहली चीज इसका मटेरियल, ये इको बेस पैलेट जो है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इस वजह से इसमें कभी भी जंग की समस्या निर्माण नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप इसे नीचे के तरफ से देख रहे हैं ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, इसके बीच में बहुत सारा गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि हवा का बहाव इसके नीचे से हो सकता है, इस वजह से गलती से भी अगर कभी इसके नीचे पानी आ जाता है तो वो जल्दी सूख सकता है। सीमेंट के प्लेटफॉर्म के साथ जो सीलन की समस्या होती है वो इस इकोबेस पैलेट के साथ नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये प्लास्टिक का है तो क्या ये वाटर टैंक के पूरे वजन को पानी के साथ सह पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके पूरे वाटर टैंक का जो लोड है उसे आराम से कैरी कर सकता है। जो आपकी वाटर टैंक की कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा वजन जो है ये इकोबेस पैलेट आपका बेयर कर सकता है। अगर हम बात करते हैं अगले एडवांटेज की, अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है टाइम। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको एक दिन लग जाता है और आपको उसके ऊपर टंकी फिक्स करने के लिए दो दिन तक रुकना पड़ता है, तो ऐसा आपके इकोबेस पैलेट के साथ नहीं होता है। इसके ऊपर डायरेक्टली आप टंकी इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हो और सीमेंट प्लेटफॉर्म की तरह इसे क्यूरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और तो और ये सीमेंट प्लेटफॉर्म से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है कि हर एक वाटर टैंक के लिए ये सुटेबल होता है। डेफिनेटली जो कोई भी आपकी वाटर टैंक की साइज है उस साइज के अनुसार आपको ये इकोबेस पैलेट मिल जाता है। अगर आपकी टंकी 1000 लीटर की है, 750 लीटर की है, 500 लीटर की है, तो इन डिफरेंट साइज के अनुसार जो है आपको इकोबेस पैलेट मिल जाएगा। तो है ना ये कमाल का प्रोडक्ट। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक और फोन नंबर दोनों दे दूंगा जिसके ऊपर आप जाकर अपने इकोबेस पैलेट को मंगवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस इकोबेस पैलेट की डीलरशिप लेना तो उसके बारे में भी आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। अब हम हमारे प्लम्बर से जानेंगे कि उनका क्या अभिप्राय है इस प्रोडक्ट के बारे में। हाँ मिस्त्री, ये स्टैंड कैसा लग रहा है आपको? स्टैंड बहुत मजबूत बना है कंपनी ने। अच्छा, और इसका फायदा ऐसा है कि आपको जब सीमेंट का ये बनाते वट्टा तो हाँ, बिल्डिंग पे लोड हो जाता है, ईंट वालू सीमेंट सब कुछ लगता है और मिस्त्री की मजूरी अलग। नीचे बारिश का पानी गया ना वो नीचे लीक हो जाता है फिर से। अच्छा, और इसका फायदा ऐसा है प्लास्टिक का बनाया ना कंपनी ने, मजबूत तो बनाया। और दूसरी इसमें एक अच्छे ऐसे है कि इसमें बारिश का पानी भी गया तो इधर से पानी उधर निकल सकता है। अच्छा, मतलब नीचे पानी जमा नहीं रहेगा। जमा नहीं होगा। और आपने तो साफ करने का रहा तो अपन इधर से प्रेशर से पानी मारो तो नीचे की जगह क्लीन हो जाती है। ओके ओके, तो आपका क्या सुझाव है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये अच्छा है, लेना चाहिए, क्योंकि वो वट्टा बनाते ना अपन उसमें बहुत खर्च भी बहुत हो जाते हैं और बिल्डिंग को हमेशा लोड रहता है। इस पर क्या होता है, ये टाके आज अपन इधर रख सकते हैं, कल आपने को लगा उधर लेके जाने का बैठाने के लिए दूसरी जगह पे। हाँ हाँ, टैड और टाके दोनों भी लेके जा सकते हैं आप। वैसे सीमेंट का बनाया तो वो तोड़ना पड़ता है, फिर से उधर टैड बनाना पड़ता है सीमेंट की गोटाई कर। बराबर है, बराबर, वो बजट बढ़ जाता है ना अपना। इसका साइज ये फिक्स हो गया है उसे एकदम सही से, मतलब एकदम फिक्स है उसका, कंपनी देती बारे वैसा देती। और इस पे अपन 1000 की टाके रख सकते। और ये फिक्स करने के लिए आसान है या कैसा है, मुश्किल है?
नहीं कुछ नहीं इसमें। आपने कैसा लगाया, डायरेक्ट फिक्स कर दिया इसके ऊपर? हम तुमको 5 मिनट में बता देते हैं कैसा फिड़की है, 2 मिनट में बता देंगे। टाइड है और इसमें बारिश का पानी भी इधर टैकिंग होती है, तो इधर पानी उतर गया तो पानी नीचे से जा सकता है अपना, पानी रुकता नहीं इधर। अच्छा हाँ, नीचे हो इधर कुछ मच्छर ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं इसमें ऐसा। हाँ, पानी जमा नहीं होगा, वापस सूख जाएगा, निकल जाएंगे। और ये साइड में भी एक होले। हाँ ये देखो, यहाँ पे साइड में ना, यहाँ पर भी होले, मतलब यहाँ पर पानी जमा होने का। छोटे बोल दिए कंपनी ने। बराबर है, ठीक है। ये ऐसा टाइड है, नीचे से भी सपोर्ट अच्छे है, उसके कुछ उसमें दिक्कत नहीं, सॉलिड है एकदम। बड़ी मॉडर्न बनाए उन्होंने कंपनी ने। अभी हम टैकी रख के देख, दिक्कत है तुमको कैसा रखने का क्या। नीचे से हाथ लगाओ, टैंक नीचे से हाथ लगाओ। माप ठीक से लो, बस बस उधर के माप। जगह सभी तरफ से क्लियर रहता है, उसको कुछ अड़चन नहीं। आपने को 2-2 इंच जगह वैसी मिलते इधर उधर टैकी लेने के लिए, वैसी कुछ अड़चन नहीं आपने को। अभी ये जो स्टैंड है, ये 500 लीटर, 750 लीटर और 1000 लीटर के लिए अलग अलग अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिस्त्री के पास से हमने जान लिया है कि ये स्टैंड का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ये स्टैंड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद में मजबूत भी अच्छा है, ओके ओके, कम खर्चे में। हाँ सही बात है। आज मिस्त्री आता है तो 1200-1300 रुपये मजूरी उसकी, और सीमेंट की गुनी लगेंगी, वालू लगेंगी, ईंट का टुकड़ा लगेगा। हाँ बहुत झंझट हो जाती है, वो टाइम पे मिलता ही नहीं। सही बात है, सही बात। ये अपन लेके आए बैठा है, टेंशन नहीं कुछ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।